Jai Defense aspirants. Welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important lecture topic that was asked in 2FSP Mysore and it is based on NHG crisis in India. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे अगर हम इंडिया के एनर्जी इंपोर्ट की बात करें न्यूज में थी ये चीज़ कि इंडिया का जो एनर्जी इंपोर्ट है ना वो बढ़ गया है 43.6 परसेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2023, जो कि सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर रहा है कंट्री के इंपोर्ट बिल को एनर्जी इंपोर्ट में क्या क्या आता है कोल कोक क्रूड ऑयल एल एनजी एल पी जी जिसकी वजह से जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है ना इंडिया के मर्चेंडाइज इंपोर्ट बिल का वो इंक्रीज हो गया है और जो अभी के टाइम पे रिप्रेजेंट कर रहा है थर्टी सिक्स पॉइंट सिक्स अगर जो करंट इंपोर्ट ग्रोथ रेट जो है ना वो बढ़ता गया तो एक कुछ टाइम बाद क्या होगा कि वी आर गोइंग टू सरपास ऑल द रिमेनिंग मर्चेंड मर्चेंडाइज इम्पोर्ट जिसमें हमारी जो प्रोजेक्शन है वो ये इंडिकेट कर रही है कि हम 2026 तक कही न कहीं ना कहीं वन ट्रिलियन डॉलर तक एक्सीड कर जाएंगे विच इज नॉट अ गुड थिंग ये ट्रबलिंग प्रोस्पेक्ट देखने को मिल रहा है जो इम्पोर्ट वैल्यू है ना आइटम्स की जो हमें जरूरत पड़ती है क्लीन एनर्जी के लिए जैसे फोटोवोल्ट सेल लिथियम आयन बैटरीज वो और एग्जास्परेट कर देगी इस सिचुएशन को तो इंडिया को अपने क्रिपलिंग इम्पोर्ट बिल को कट करने की जरूरत है और वो कैसे लोकल ऑयल फील्ड को एक्सप्लोर करके और एनहांस करके अब हम देख लेते हैं व्हाट आर द रीजन बिहाइंड एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एनर्जी सोर्सेज सबसे पहला क्या था डिस्टरप्शन ऑफ ऑयल सप्लाई चेन किसकी वजह से हुआ कोविड नाइनटीन पैंडमिक आया और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से तो क्या हो गया डिसरप्ट हो गया ऑयल का सप्लाई चेन ठीक है और फिर अभी आप देख पा तो रहे हो रशिया यूक्रेन वॉर का इश्यू तो चल ही रहा है जिसकी वजह से डिसरप्शन और बढ़ गया है और ग्लोबल ऑयल सप्लाई चेन का जिसकी वजह से डिमांड जो है ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ और इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है सेकेंड क्या है वीकनिंग ऑफ यूएस सऊदी अरेबिया नाइनटीन डील देखो यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया ने एक डील साइन की थी 1970 में जिसने जिसमें ये हुआ था कि यूएसए रिलाय करेगा सऊदी ऑयल पे इन एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटी गारंटी जो कि अभी नहीं उतनी स्ट्रॉन्गली काम कर रही तो यूएसए अभी परस्यू कर रहा है एनर्जी की इंडिपेंडेंस और वो रिड्यूस कर रहा है अपना रिलायंस किस पे सऊदी के ऑयल पे देखो हो रहा रहा है है में, जिसकी वजह से देखने को मिल और दूसरे एनर्जी सोर्सेज की तरफ जिससे प्राइस इंक्रीज हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड जिसमें इंडिया पे भी इफेक्ट पड़ेगा ठीक है और उसकी बाइंग पावर पे भी इफेक्ट पड़ेगा नेक्स्ट इज यूएस टू क्रिएट ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन एक्सक्लूडिंग चाइना अभी देखो हर कंट्री ना चाइना के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी हटाने की कोशिश करती है बिकॉज चाइना इज नॉट अ ट्रस्टेबल कंट्री और वो अपने यू you नो know, अपने उसके हिसाब से लाइक जहां उनको प्रॉफिट हो रहा था उस उस कंट्री के साथ सपोर्ट करती है सो so, यूएसए अभी एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है जिसमें बेसिकली चाइना एक्सक्लूड हो ठीक है अभी के टाइम पे अगर देखें चाइना जो है मेजर प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है किसका मेनी क्रिटिकल मिनरल्स और मेटल्स का जैसे आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गया तो यूएसए जो है अपनी डिपेंडेंसी खत्म करने की कोशिश कर रहा है और चाइना सिग्निफिकेंट कंज्यूमर भी है एनर्जी का पर्टिकुलरली अगर हम फॉसिल फ्यूल की बात करें और कोल एंड ऑयल जिसमें आ जाता है का सबसे पहली चीज़ के पास लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज है जैसे कोल ऑयल गैस और ये डिपेंड करते हैं किस पे इंपोर्ट पे टू मीट इट्स ग्रोइंग एनर्जी डिमांड ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू है ना पेट्रोलियम इंपोर्ट की फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 ये बिलियन डॉलर है इसमें क्या क्या आता है इम्पोर्ट वैल्यू आती है $163 की एल एन जी एल पी जी आती है सेवनटीन पॉइंट सिक्स बिलियन की और फोर्टीन बिलियन डॉलर की भी इंक्लूड होती है क्रूड इंपोर्ट जो है वो बढ़ा है फिफ्टी थ्री परसेंट ओवर द लास्ट फिस्कल ईयर कंट्री का जो कोल रिजर्व है अब वो लो क्वालिटी का देखने को मिल रहा है और काफी सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न भी उसके साथ जुड़े हैं जब हम उसके उसको जो है क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते, करते हैं और यूज करते हैं नेक्स्ट वी हैव अभी इंडिया जो है वो भी ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी देख रहे हैं जैसे सोलर विंड एंड हाइड्रो पावर को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं सेकेंड चैलेंज ये है पुअर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का जो एनर्जी uh, का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो उतना एडिक्वेट नहीं है कि वो uh, जो बढ़ती हुई डिमांड है उसको फुलफिल कर पाए वो फ्रीक्वेंट पावर कट्स एंड ब्लैकआउट्स फेस करता है विच कैन लास्ट फॉर आवर्स और इवन डेज एक रैपिड एडिशन है सोलर फार्म्स का जिसकी वजह से इंडिया ने अवर्ट किया है अपना डे टाइम सप्लाई गैप बट शॉर्टेज फिर भी देखने को मिल रही है जिसकी वजह से कहीं कहीं ना हम रहे हैं, uh, exposed किया जा रहे हैं uh, को basically. India की जो पावर अवेलेबिलिटी है ना नॉन सोलर आवर्स वाज इन अप्रैल 2023 वो बड़ी थी इज एक्सपेक्टेड टू बी नॉट इंक्रीज इट वाज डिक्रीज मतलब इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी 1.7 परसेंट Lower, जितनी पीक डिमांड थी उसके कंपेरेटिवली ये जो पुअर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है रूरल एरिया में ठीक है नेक्स्ट इज हमारे पास इन एडिकुएट इन्वेस्टमेंट है इसमें एनर्जी में इंडिया In, का एनर्जी सेक्टर में ना सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है सो दैट वी कैन इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपनी एनर्जी कैपेसिटी को एक्सपांड कर सके गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वेस्ट कर ही नहीं रहे हैं इतना ज्यादा इसमें इस एनर्जी सेक्टर में अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया का लो पर कैपिटल इनकम और हाई पावर्टी रेट भी उसको डिफिकल्ट बनाते हैं लोगों को uh, कि वो अफोर्ड कर पाए क्लीन एनर्जी सोर्सेज जो देखने को मिलते हैं एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म में इंडिया जो है वो काफी स्लो रहा है रिनेबल एनर्जी पॉलिसीज को अडॉप्ट करने में और बहुत कोर्डिनेशन की कमी देखी गई है वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड मिनिस्ट्रीज के बीच में नेक्स्ट वी हैव एज क्लाइमेट चेंज देखो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द वर्ल्ड और खुद के एनर्जी सेक्टर uh, के साथ भी uh, हम कह सकते हैं इट्स अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इन एमिशन के बीच में क्लाइमेट चेंज अफेक्ट कर रहे कंट्री के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं फिर आप फ्लड ड्रॉट्स उसमें आ जाते हैं और ये बहुत फ्रीक्वेंट होता हुआ नजर आ रहा है अदर देन दैट व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड टू दिस हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत है डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में इंडिया को इवेल्युएट करने की जरूरत है अपने ऑप्शन को और लोकल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहिए जिसमें कैटेगरी टू सेडिमेंट्री बेस को इंक्लूड किया जाए जो कि अभी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए नहीं हुए हैं गवर्नमेंट को इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहिए सो so दैट उनको इन्वेस्टमेंट मिल सके इन एरिया में इंडिया के पास 26 सेडिमेंटरी बेसिस है जो चार कैटेगरी में डिवाइडेड है कैटेगरी वन में सेवन बेसिस है जो एस्टैब्लिश करते कमर्शियल प्रोडक्शन कैटेगरी 2 में तीन बेसिनस है जो एक्युमुलेट करते हैं हाइड्रोकार्बंस को बट नॉट कमर्शियल प्रोडक्शन को कैटेगरी थ्री में 6 basins है जो इंडिकेट करते हैं हाइड्रोकार्बन रिजर्व जो कंसिडर किए जाते हैं जियोलॉजिकली ऑयल बेरिंग कैटेगरी फोर में क्या है टेन बेसेंस है जो जिसके पास पोटेंशियल है प्रोस्पेक्टिवली यू नो कहीं ना कहीं डीप वॉटर रिजर्व को एनालाइज करने के लिए वी नीड टू इम्प्रूव द कोल क्वालिटी इंडिया को फोकस करना चाहिए डोमेस्टिक कोल uh, की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे सो so दैट वो रिलायंस जो है रिड्यूस कर पाए इम्पोर्ट किए गई चीजों पे हमें रिनुएबल एनर्जी को एनकरेज करना चाहिए जिसमें आपकी सोलर विंड हाइड्रो आ गई डेवलप एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया को इन्वेस्ट करने की जरूरत है अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में सो so दैट वो इंश्योर कर सके एफिशियंटन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी और ये अचीव किया जा सकता है कैसे अपग्रेड करके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्ड करके न्यू पावर प्लांट्स पाइप लाइन्स एंड ट्रांसमिशन लाइन्स नेक्स्ट वी हैव इज रिड्यूसिंग कोल इम्पोर्ट इंडिया को जो है फोकस करने की जरूरत है कोल इम्पोर्ट पर देखो इनफ स्कोप नहीं है हमारे पास कि इम्पोर्ट uh, को रिड्यूस करने का ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफ कुकिंग ऑयल कोल एज इंडिया के पास उतना हाई क्वालिटी रिजर्व है ही नहीं बट इम्पोर्ट जो है ना थर्मल कोल का उसको मैनेज किया जा सकता है कोल इम्पोर्ट जो है वो इसलिए भी बड़ा है बिकॉज डिमांड है फ्रॉम न्यू पावर प्लांट जो हाई ग्रेड इम्पोर्टेड कोल को ही यूज करता है सो गाइज दैट वॉज ऑल आई होप यू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट डू लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल एस एस पी सक्सेस योर लाइक्स एंड कमेंट्स मोटिवेट आस टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज ऑन टाइम थैंक यू एवरी वन